नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरा आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवेक चूड़ामणि के विषय। विवेक चूड़ामणि बुक जो महान जो अपना पुस्तक है, आपने सनातन धर्म ग्रंथों में से एक महान पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। आदि शंकराचार्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि उपनिषदों का जो वेदांत का उन्होंने रचना उन्हीं ने की है। आदि शंकराचार्य, उनके विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग उनके विषय में जानते हैं, आप लोगों को सब कुछ उनके विषय में पता है। तो विवेक चूड़ामणि आखिर क्या है, इसके विषय में आज मैं आपको इस मंच पर कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दूंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि। दोस्तों, विवेक चूड़ामणि की बात की जाए तो विवेक चूड़ामणि मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की विवेक चूड़ामणि है। आज हम बात करते हैं दोस्तों इस विवेक चूड़ामणि के विषय में कि इसमें आखिर ऐसा क्या वर्णन है, आखिर क्या चीज़ है। ऐसे में कई आदि शंकराचार्य ने जब धर्म का अभ्युत्थान हो रहा था, तो आदि शंकराचार्य केरल साइड जन्म लिए थे। करीब 32 वर्ष की उनकी आयु थी। अल्प आयु में भी उन्होंने वेदांत की रचना कर दी थी और कई तरह के ग्रंथों की रचना कर दी, उसमें से एक है विवेक चूड़ामणि जो आदि शंकराचार्य ने रचा है। इसमें अद्वैतवाद का सिद्धांत, जो एक ज्ञान का निरूपण गुरु शिष्य के पास जाकर के ज्ञान ग्रहण करता है, उसके विषय में यहाँ पर बल दिया गया है, बताया गया है। और बहुत सारी बातें हैं विवेक चूड़ामणि में बताई गई है। भक्ति कैसे होती है, कैसे अपन ईश्वर की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, कैसे अपन इस परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या क्या उसमें उसके तरीके हैं, कैसे सत्व रज तम इन गुणों को बारे में अपने शरीर में जो अपने जो शरीर स्थूल से लगे सूक्ष्म शरीर में जो व्याप्त हैं सत्व रज तम, उसके विषय में बहुत सारी बातें इसमें बहुत प्रकाशित डाला गया है। तो और बहुत सारे ग्रंथ में, और लगभग इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस जो श्लोकों की संख्या है विवेक चूड़ामणि में, वो लगभग 581 श्लोकों की संख्या इसमें बताई जाती है। और इसका जो इस सन है जिस सन में इसकी रचना हुई, लगभग ईस्वी सन लगभग 795 के आसपास इसका ईस्वी सन है जहाँ पर इसकी रचना हुई है। और सबसे बड़ी इसका जो सबसे पॉपुलरिटी इसकी जो है, हालांकि पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलरिटी जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ जो हिंदू अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, सनातन संस्कृति पद्धति से जुड़े हुए हैं, वो उसकी उसको विवेक चूड़ामणि को पढ़ते हैं। बचपन से मैं विवेक चूड़ामणि का नाम सुनता आ रहा हूँ और वेदों का सार है इस पूरे महान पुस्तक में। तो अब इस पुस्तक के बारे में एक चीज़ और जान ले। अब इस पुस्तक एक्चुअल में देखा जाए तो कई पुस्तकें बहुत महंगी आती है, पर गीता प्रेस गोरखपुर ने इसको बहुत कम मूल्यों पर प्रकाशित किया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने इसका जो कोड है, देखिए आपका 133 का कोड बताया गया है और उसका मूल्य बताया देता हूँ मैं आपको। उसका जो अभी मूल्य है वो 30 रुपये है। 30 रुपये में आज की दुनिया में कुछ भी नहीं आता। बुक्स खास तौर से कोई किताब नहीं, कोई ज्ञान की किताब नहीं, जो आपको कितनी ज्ञानवर्धक किताब है जो आपको कम मूल्यों पर उपलब्ध है। हालांकि गीता प्रेस का बहुत योगदान रहा है धर्म ग्रंथों के बारे में आगे बढ़ाने में, और अभी भी गीता प्रेस गोरखपुर के कई लोगों से, ट्रस्टियों से मेरी बात होती रहती है, तो वो अभी कई कुछ कल्याण के अंक निकाल रहे हैं कुछ अपने धर्म ग्रंथों में, जो शुरू से कुछ बदलाव धर्म ग्रंथों में उन्होंने बहुत सारे कई तरह के बदलाव कर कई तरह की चीज़ें जोड़ रहे हैं धर्म ग्रंथों में, कई तरह की चीज़ें वो जोड़ रहे हैं और भी जो चीज़ें छूट गई हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास गीता प्रेस गोरखपुर वाले कर रहे हैं। तो हम अब डिस्प्ले पे चलते हैं, इस जो महान पुस्तक है इसको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या वर्णन है, ताकि आप लोग अगर इसको परचेज करना चाहें, लेना चाहें, तो आप लोग गीता प्रेस के स्टोर से ले लें, उसको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी आपको और उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं, आपको इस बुक के विषय में कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये है विवेक चूड़ामणि गीता प्रेस गोरखपुर की, हिंदू अनुवाद सहित इसमें लिखा हुआ शंकराचार्य द्वारा है। बाकी इसमें आपके इसका जो कोड डला हुआ है वो आपका 133 नंबर कोड डला है। गीता प्रेस का प्रेजेंटेशन तो आप देखना चाहते हैं, मुन्नी डाल अनुवादक है इसके, इसकी कीमत है 30 रुपये। आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से आप कोरियर डाक से भी कोई बुक मंगा सकते हैं, और ये कार्यालय का नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी
पाठकों से यहाँ कई तरह के निवेदन उन्होंने किए हुए हैं प्रकाशक ने। और इस किताब में अब क्या वर्णन है देख सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म निष्ठा, ज्ञान उपाध्याय, साधन उपाध्याय, गुरु संस्कृति, प्रश्न उपदेश, प्रश्न शिष्य प्रशंसा, आत्मविश्वास, नात्मविश्वास, स्थूल शरीर का वर्णन, आपका विषय निंदा, देहा शक्ति, स्थूल शरीर, 10 इंद्रियों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। और इसके बाद आप जाएंगे तो पंच प्रमाण इसमें मिलते हैं आपके, आपके सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, अहंकार के आत्मा, माया, निरूपण, रजोगुण, तमोगुण, तत्वगुण के बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है। आत्मनिर्भाभ्यास, अनावरण, मन रूपण, आत्मनिर्भर गया, प्राणमय कोश, सारे मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है जो आपके चूड़ामणि में दिए गए, विज्ञानमय कोश, इसमें देखिए इसमें वर्णन मिलता है इस चीज़ का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप देख सकते हैं। इसके बाद विमुक्ति कैसे होती है इसके विषय में यहाँ पे वर्णन दिया गया हुआ है देख सकते हैं, वासना, क्रिया, चिंता के विषय में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। और इसके बाद आत्मनिष्ठा, वैराग्य, निरूपण के विषय में यहाँ पे आपके नाना कई प्रकार की चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि इसके प्रिंटिंग तो गीता प्रेस की अच्छी रहती है, आप देख सकते हैं इस किताब आपको संपूर्ण मिल जाती है गीता प्रेस के गोरखपुर के स्टोर में। बाकी ये और गीता प्रेस की जितने भी आप कहाँ कहाँ किस किस स्टोर अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डाक से ख़रीदने का यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ, विदेशों में कैसे इस पुस्तक को ले सकते हैं इसके विषय में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीन शॉट को ले करके पढ़ सकते हैं। बाकी कहाँ कहाँ स्टोर इसके अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ नंबर हैं, आप इसको आराम से नंबर देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको गीता प्रेस गोरखपुर की इस विवेक चूड़ामणि के विषय में बताया। बाकी ये विवेक चूड़ामणि और भी कई प्रकाशनों की आती होगी, पर वो बहुत कॉस्टली और महंगी है, सस्ते दामों पे आपको यही उपलब्ध इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की इस महान पुस्तक को मंगवाएँ और पढ़ें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी मैंने आपको डिस्प्ले पर गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स कैसे लेनी है आप ले सकते हैं, आपको मैंने दिखा दिया है, ये मैंने गीता प्रेस के स्टोर से ही ली थी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और अगली बार मैं फिर किसी नए पुस्तक के साथ या नए ज्ञानवर्धक बात के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।